हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइज, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पूरा चैनल विजिट करिए। इसमें आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स एकदम सिंपल वे में समझने में और उनको यूज़ करने में हेल्प करेंगे। ये सब फीचर्स देखने के बाद अगर आपको वीडियोज़ यूजफुल लग रहा है तो अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए। तो चलिए, जैसा कि आपने कैप्शन देखा, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले है न्यू इनोवा हाईक्रॉस के GX वेरिएंट के बारे में। अब GX वेरिएंट में क्या-क्या चीजें हैं, क्या-क्या फीचर्स हैं, पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा एक जो क्वेश्चन हमेशा कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है तो लोग काफी पूछते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है, लोग पूछते हैं कि कौन सा वेरिएंट परचेस करना चाहिए। तो एकदम सिंपल आंसर उसका वो है जो भी वेरिएंट आपके नीड्स को आपके बजट के हिसाब से सूट कर रहा है, आपको जो जो फीचर्स मिल रहे हैं जो वेरिएंट में मिल रहा है तो वो वेरिएंट आप ले लीजिए। मतलब मैं बोलूंगा वो वेरिएंट हो सकता है आपको यूज़ में रहेगा या आपको यूज़ में नहीं रहेगा। हाउएवर, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि GX वेरिएंट लेने के आपको क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में। तो चलिए, GX वेरिएंट की हम लोग बात करते हैं। नो डाउट कि हाइब्रिड है, मतलब हाइब्रिड चलाने का अपना अलग मज़ा है, ठीक है। और इसका कंपेरिजन एक्चुअल में देखा जाए तो GX और VX का हो भी नहीं सकता है, क्योंकि मॉडल का फ़र्क है। मतलब VX में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो GX में नहीं आते। हाउएवर, एक रफ कंपेरिजन इसका भी हम लोग कर लेंगे। डिटेल में एक वीडियो मेरी बनाई हुई है जिसमें मैंने GX, VX, ZX एंड ZX-O वेरिएंट पूरे फीचर्स डिफरेंस दिखाए हुए, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। बट मोटा मोटा, क्योंकि आज हम लोग GX का एक्सक्लूसिव वीडियो कवर कर रहे हैं, हम लोग GX का और थोड़ा सा VX का उसमें कंपैरिजन ले लेंगे। सो सबसे पहले हम लोग इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। ये आता है 2 लीटर पेट्रोल के साथ। इसका जो इंजन है 2 लीटर पेट्रोल है और पेट्रोल इंजन जो है वो मेटेड है 10 स्पीड CVT गेयरबॉक्स को। अब 10 स्पीड CVT गेयरबॉक्स इसमें मिलता है आपको। पावर की अगर मैं बात करूं तो 174 PS इसमें आपको पावर मिल जाता है, और अगर टॉर्क की बात करूं तो 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी आपको न्यू हाईक्रॉस में मिलता है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे अच्छी चीज़ इसमें है फ्यूल एफिशिएंसी। ये 2 लीटर का इंजन है, बट अगर मैं इसमें फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो इसमें आपको 16.13 का क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी आता है, जो बहुत ज़बरदस्त है। अब इसको मैं बहुत ज़बरदस्त बोलने का एक रीज़न है। अगर आपको याद रहेगा, क्रिस्टा जो डीजल ऑटोमेटिक था, वो डीजल रहने के बाद भी उसका क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी 14.3 का था। अब ये पेट्रोल होने के बावजूद भी इसका 16.13 किलोमीटर्स पर लीटर का 174 PS वाली गाड़ी में आपको इतना अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम्ड मिल रहा है। सो इतना अच्छा क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी मिल रहा है, तो अगर मैं बोलूँ तो डीजल से भी ज़्यादा क्लेम्ड इसका माइलेज आपको मिल रहा है। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, GX और VX एक माइनर कंपैरिजन ले लेंगे। VX अराउंड 30 लाख रुपीज़ ऑन रोड है और ये 24 लाख रुपीज़ ऑन रोड है। नो डाउट इसमें आपको डायरेक्टली हाइब्रिड मिल जाता है, फीचर्स में एडिशन हो जाता है, एडॉन्स हो जाता है, स्पीकर्स वगैरह बढ़ जाते हैं, इंटीरियर का कलर में चेंजेस हो जाता है, 360 डिग्री कैमरे जैसे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। हाउएवर, अगर मैं बात करूँ मोटी मोटा ओवरऑल लुक्स, तो आपको इतना कुछ ज्यादा खास डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। यस, हाइब्रिड है, वो अपनी जगह ठीक है, बट अगर मैं प्राइस डिफरेंस की एकदम बेसिक बात करूं, 6 लाख रुपए का फर्क जो GX और VX में आता है, तो 6 लाख रुपए में आपको 6,000 लीटर फ्यूल आ जाएगा। पेट्रोल का अगर मैं एक एवरेज 100 रुपया पकड़ूँ तो, मतलब एवरेज ही ले रहा हूँ मैं, 6,000 लीटर फ्यूल में इसका क्लेम्ड एवरेज 16 का है, 16। मैं अगर 10 भी पकड़ूँ तो 60,000 किलोमीटर आप गाड़ी चला लोगे, मतलब जो प्राइस डिफरेंस है ना उसमें ही। हाँ ठीक है, फीचर्स अपनी जगह ठीक है, बट मैं प्राइस डिफरेंस अगर फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेट करूँ तो आप इजीली, मतलब एक 60,000 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे उसके बाद आपको हाइब्रिड का एडवांटेज मिलने लगेगा। तो मेरा सजेशन है, अगर आपका रनिंग ज़्यादा नहीं है तो जैसा पहले हम लोग लॉजिक यूज करते थे डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में, अगर रनिंग ज्यादा है तो डीजल लेते थे, रनिंग कम है तो पेट्रोल लेते थे, तो वो लॉजिक आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका रनिंग बहुत ज्यादा होने वाला है कि 5 साल में आप आराम से 1.5-2 लाख किलोमीटर चलाने वाले हैं, तो आप हाइब्रिड ले लीजिए। लेकिन अगर 40-50 हज़ार किलोमीटर चलाने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से GX वेरिएंट जो पेट्रोल में आता है ये आपके लिए बेस्ट वेरिएंट रहेगा। तो चलिए अभी फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट इसका बहुत स्पोर्टी लुक है, ग्रिल वगैरह में भी आप अगर देखोगे तो यहां पे आपको गन मेटल फिनिश देखने को मिल जाता है, बहुत अच्छा कंसील्ड लोगो भी आ जाता है आपको। यहाँ पे बम्पर में भी आप देख सकते हैं हनीकॉम पैटर्न का फिनिश देखने को मिल जाता है, और पूरा ब्रश्ड ब्लैक कलर का आपको सराउंडिंग देखने को मिल जाता है। हेडलैम्प भी इसमें आपको ऑटो LED आता है GX वेरिएंट्स में, जो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प बेसिक वेरिएंट से ही मिल जाता है। अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड में आपको 16 इंच का एलॉय व्हील्स GX वेरिएंट में आ जाता है।
क्लैडिंग वगैरह, मतलब क्लैडिंग बोल रहा हूँ, जो व्हील आर्च है, व्हील आर्च वगैरह भी बहुत अच्छा शेप है, और साइड से भी इसका लुक आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट करेगा नहीं। अगर मैं ORVM की भी बात करूँ तो GX वेरियंट में ही आपको ऑटोमेटिक ORVM ऑटो फोल्डिंग आ जाता है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको LED इंडिकेटर भी आ जाता है। स्मार्ट एंट्री पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी GX वेरियंट में आपको मिल जाता है। तो जैसा कि आपने डोर पे ऐसा हाथ इंसर्ट किया हैंडल के अंदर तो डोर अनलॉक हो जाता है, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है इस, ये रिक्वेस्ट स्विच है, अगर आप इस पर आपका उंगली इस तरीके से स्वैप करते हैं तो डोर लॉक हो जाता है, प्रोवाइडेड गाड़ी की चाबी आपके पास है। तो स्मार्ट एंट्री के साथ आपको बेसिक वेरियंट मिल रहा है। टेल लैम्प भी देखेंगे तो बहुत अच्छा ब्लैक एंड रेड का यहाँ पे आपको एलिमेंट्स देखने को मिल जाता है, LED टेल लैम्प भी देखने को मिल जाता है। रूफ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको शार्क फिन एंटीना और एक बड़े साइज का स्पॉइलर भी आपको मिल जाता है। वाइपर भी आपको GX वेरिएंट में आ जाता है, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अभी GX वेरिएंट में आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिवर्स कैमरा भी देखने को मिल जाता है। इस तरीके से कुछ इसका रियर दिखता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं इंटीरियर में और इंटीरियर के बारे में गाड़ी की बात करते हैं। सो ये है GX वेरिएंट का इंटीरियर जो आप देख सकते हो। यस, ये पूरा ब्लैक आपको देखने को मिल रहा है, बट फैब्रिक वगैरह का जो मटेरियल यूज हुआ है बहुत अच्छा क्वालिटी है, और अगर आपको इसमें इंटीरियर्स करना है सीट कवर वगैरह तो काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से करा भी सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे डैशबोर्ड में भी आपको सिल्वर एलिमेंट्स दिख रहा है लाइनिंग जाता हुआ, फिर डोर में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा मेटल फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। चारों पावर विंडोज ऑटो अप और ऑटो डाउन है, मतलब एक ही प्रेस में पूरा विंडो नीचे भी चले जाएगा, एक ही प्रेस में पूरा विंडो ऊपर भी आ जाएगा। उसी के साथ साथ जैसा मैंने आपको बाहर भी बोला, ऑटोमेटिक मींस आप अगर मिरर देखोगे तो ऑटो फोल्डेबल है, आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड और ऑटो पे भी रख सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट भी इसमें आता है। इसमें आप अगर आप देखोगे तो एक 4 इंच का आपको टच स्क्रीन MID आ जाता है, सॉरी टच स्क्रीन बोल रहा हूं, अब ये MID में भी आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इसी के साथ म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल भी स्टीयरिंग पे आ जाता है। स्टीयरिंग भी अगर आप देखेंगे तो ये टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक भी है, जो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग सीट भी मैन्युअली बट अवेलेबल है, जिसमें आप हाइट भी कम ज़्यादा ड्राइविंग सीट की कर सकते हो, जो अगेन बहुत अच्छा फीचर है। आप यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स का भी कंट्रोल देख सकते हैं, जैसा मैंने बाहर भी बोला जो हेडलैम्प्स है वो ऑटोमेटिक है। म्यूजिक सिस्टम भी काफ़ी बड़ा आपको 8 इंच का फ्लोटिंग टाइप आ जाता है, जिसमें आपको रिवर्स कैमरा मिलता है और एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है। यस, AC मैनुअल है, बट बटन्स वगैरह अच्छे हैं, मतलब आप इसके साथ रह सकते हो, कोई ज़्यादा आपको ट्रबल होने वाला नहीं है। 10 स्पीड बहुत अच्छा CVT गियरबॉक्स इसमें आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बेसिक वेरिएंट से होल्ड फीचर, जो ट्रैफिक में आपको काफ़ी हेल्प करेगा बेसिक वेरिएंट से। इकोनॉमी मोड, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, ABD, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक मॉडल से मिल जाती है। सी टाइप का और USB चार्जर भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का एक सॉकेट फ्रंट में भी आ जाता है। तो काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स हैं, मतलब जो एक गाड़ी को अच्छा बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। सो होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए अभी रिवर्स रियर में भी देख लेते हैं एक बार गाड़ी के फीचर्स। सो स्पेस वगैरह तो एकदम सेम है, डिसेंट है जैसा आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रियर में भी आपको आर्मरेस्ट आ जाता है। ये 7 सीटर है, अगर 8 सीटर रहेगा तो भी आपको आर्मरेस्ट विद कप होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा छोटा सा टेबल दिया हुआ है, और इसमें डैम्पर वाले ग्लास होल्डर से तो ग्लास को भी अच्छे से होल्ड करके रखेंगे, जिसको आप फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हो। रिवर्स रियर में रियर सीट यानी कि थर्ड रो में जाने के लिए ये सीट भी बहुत अच्छे से आगे हो जाता है और टिल्ट हो जाता है, जिससे काफ़ी कंफर्टेबली आप थर्ड में भी जा सकते हो। तो मोटी मोटा आपको काफी सारे अच्छे फीचर्स मिल गए। AC का भी कंट्रोल इधर मिल जाता है, फ्रंट में भी आपको 2 चार्जिंग मिला, रियर में भी 2 चार्जिंग मिला। उसके अलावा आप अगर पीछे भी देखोगे तो एक 12 वोल्ट का यहाँ पे आपको सॉकेट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल एक अच्छा मॉडल है, अच्छा वेरियंट है जो आप ले सकते हो। सो होप आपको वीडियो और गाड़ी पसंद आई हो। आपको अगर कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर कर दूंगा। सो GX वेरियंट मैंने आपको दिखा दिया है, होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।